और एक नई एनर्जी के साथ। तो जी ये है मेरी चपाती और ये है जी बच्चों के चावल। ये है जी चपाती को फोल्ड किया और जो है हम यहाँ पर बनाने लगे हैं अपना डिनर। ये यहाँ पर हो रहा है फ्राई पैन गरम, क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ फिश को किया हुआ है मैरिनेट और यहाँ हम करेंगे फिश को थोड़ा सा ग्रिल। तो यहाँ बिस्मिल्लाह के साथ रखते हैं फिश को इसमें। ये हैं फिश फिलेज हैं और इन्हें मैं इसमें रखती जा रही हूँ। ये सीन मैं खुद ही शूट कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है ताकि फिश खाने का जो फ़ायदा है ना वो कायम रहे। आप अगर इसे ढेरों ढेर तेल में तल लेंगे ना तो जो एक फ़िश खाने का फ़ायदा वो आपको नहीं मिलेगा। तो फिश को हमेशा बिल्कुल मामूली सा या तो ओवन में करें या फिर आप इसे हल्का सा ग्रिल कर लें। तो बस हम ये रखते हैं और जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं और इस व्लॉग में आपने बने रहना है क्योंकि आगे इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब मैं और वासी आ गए थे बाहर ग्रॉसरीज़ करने के लिए क्योंकि ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। वो सब हमने कर लिया था, ये नेक्स्ट डे हम आए बाहर। दाऊद सुपरमार्केट है जो यहाँ पर आपको अक्सर वो बेशतर ही दिखाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ ग्रॉसरीज़ लेने के लिए और इन्जॉय करते हुए अंदर जा रहे थे हम बनाते हुए वीडियो। ये नूडल्स मुझे वासी दिखा रहा था, कोई बाहर के नूडल्स होते हैं जो बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन भाई ये राइट ना हम ना ले सके क्योंकि 450 का एक था। तो मैंने कहा बेटा अगले टाइम ले लेंगे, अभी जो हम लिस्ट लाए ना यही बहुत ज़्यादा पैसों की है। तो भाई जो ये हमें लेना बहुत ज़रूरी था किंग टॉक्स क्योंकि हमारे घर छिपकली आई हुई और मुझे उसको मारना था किसी भी तरह। फिर ये घी के डिब्बे पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो मैंने वासी से कहा, और कोई था नहीं वहाँ के, भाई तुम उतार लो टार्जन बन जाओ। ये फ्रूट्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे यहाँ पर, लीचीज़ बहुत अच्छी लीचीज़ आई हुई हैं लेकिन हमने ली नहीं क्योंकि वो काफ़ी मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी। ये मैं घर आ गई हूँ, घर की लोकेशन ऐसी होती है जब घर आप आते हैं आप सामान रख देते हैं फिर आप उसको समेट रहे होते हैं। फिर मैंने आकर ये सब समेटा, सब कुछ सबकी चीज़ें जगहों पे रखी। जाहिर सी बात है जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जो व्लॉग बनाया था मैंने फिश बनाना बताई थी, फिर उसके बाद हुआ ये एक्चुअली कि मैं जो है ना बनाना ही भूल गई व्लॉग, उस वाले को कंटिन्यू करना। मैंने दूसरा व्लॉग बनाया था जो मैंने चीट डे बनाया था ना, जिस मैंने पुलाव बनाया लास्ट टाइम लगाया है वो बनाया, फिर मतलब मैं भूल ही गई थी बनाना उसको। मैंने देखा है क्लिप्स पड़ी हुई है, मैंने कहा वो मैंने लगता है माइक पे हाथ रखा हुआ था। खैर बहरहाल उसी व्लॉग को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं जो है अक्सर पांडा मार्ट से जो है ना ग्रॉसरीज़ मंगाती रहती हूँ और जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है बहुत। तो अभी जो है ना इनके पास पांडा मार्ट वालों के पास बड़े अच्छे मैंगोज़ आए हुए हैं और आपको पता है सिंध यानी कि हैदराबाद और मीरपुर खास, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ, हैदराबाद और मीरपुर खास में बेहतरीन किस्म का आम आता है जो कि इम्पोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट होता है सॉरी, और बहुत मीठा आम होता है हमेशा से और बहुत अच्छे इसके बागात हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके बागात का जो है विज़िट कराऊंगी। मैं उस दिन गई थी मगर क्या कहते हैं मैं विज़िट नहीं कराया था, अपने शूट्स कर लिए थे मैंने। तो इंशाल्लाह ताला हम इसका आपको विज़िट कराएंगे बहुत जल्दी। तो ये है जी वो आम जिनका हो रहा है दीदार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला की हर नियामत पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और मैं बहुत हैप्पी हूँ इन वाली, इनको मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने दिए हैं और बहुत फ्रेश आम दिए हैं। तो बस इनको जो है अभी हम इंजॉय करेंगे और मैं अभी सैंडविचेस भी बनाऊंगी, मैं आपको उसकी भी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये कट मैंने इसलिए किए हैं ताकि हम ना इस तरह से ज़्यादा मायो चला जाता है उसमें जब आप मिक्स करते हैं तो थोड़ा बचत का सहारा लेना है और सेहत का ख्याल रखना है। तो इस तरह रख देते हैं और आप फाइनल लुक दिखाएंगे। यहाँ पर बन रहे हैं जी टी टाइम के लिए सैंडविचेस। आप कहेंगे ज़्यादातर टी टाइम ही दिखाती हैं तो ज़ाहिर है मैं जो है ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच हमारे पास हो ही नहीं पाता और जब होगा तो मैं लंच भी दिखा दूँगी। और ये है मेरा टी टाइम, तो मैं बना रही हूँ यहाँ सैंडविचेस, एग सैंडविचेस। स्लाइस पे इस तरह मेयोनीज लगा लिया और अंडे कट आपको दिखा दिए थे मैंने, ये मेरे हैं और ये बच्चों के हैं। अच्छा जिन लोगों ने फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए, फेसबुक पे मिलती हैं आपको ये मेरी रील्स वीडियोस और इंस्टाग्राम पे भी जो है वो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और मैंने रेडी हो गए हमारे सैंडविचेस जो कि मैंने आपको दिखाए थे अंडे डाल के बनाए मैंने उसमें। यार एक क्लिप मैंने ना इंस्टा के लिए बनाई है तो वो
वर्टिकल में बनी हुई है, लेकिन मैं वो लगा दूंगी कि मैंने कैसे लगाया। मैं इसके लिए व्लॉग के लिए बनाना भूल गई, लेकिन उम्दा सैंडविच है बहुत, और ये हमने मैंगोज भी यहाँ साथ काट लिए हैं और चाय भी बन गई है, तो हम ऐसे करेंगे टी टाइम यहाँ पर। और ये देखिए ये है मैंगो, दीदार कीजिए एक बार। और ललची है जिन्होंने अभी तक, हम ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में लोगों ने ना खाए हो, ज़रूर खा चुके होंगे सब, लेकिन इस आम का जायका बहुत मज़े का है, सिंधड़ी आम बहुत मज़े का होता है। एक एक यकीन करें, अंदर मीठा था, कोई खट्टापन नहीं था उसमें, माशाल्लाह बहुत अच्छे आम निकले। और तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग, मैंने उसमें आपको अपना टी टाइम भी दिखा दिया, और हम जो बाहर थोड़ी ग्रॉसरी करके आए वो दिखा दिया, और थोड़ी तो नहीं, बहरहाल बात ये कि चीज़ें आजकल थोड़ी ले रहे हैं और बिल ऐसा हज़ारों का बन जा रहा है। बहर अल्लाह ताला रहम करे हम पर भी और सब पर। तो बस इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ आप इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करेंगे, फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे। जो बग़ैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, डू सब्सक्राइब, एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनका शुक्रिया। बस इंशाल्लाह ताला फरिया बलोच को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।